गुड इवनिंग फ्रेंड्स नमस्कार आई एम डॉक्टर साहिल आज हम मैं आपको बताऊंगा स्क्रिंग ग्राफ्टिंग के बारे में जो कि प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को समझ में आए कि ग्राफ्टिंग क्या होती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप मेरी छोटी सी वीडियो के जरिए समझें कि ग्राफ्टिंग क्या है स्किन ग्राफ्टिंग का मतलब है पेशेंट की खुद की स्किन को लगा के जहाँ पर डिफेक्ट है जैसे कहीं पैर में डिफेक्ट हो गया जैसे ऊपर स्किन लॉस होक्सीडेंट के बाद हो गया जलने के बाद हो गया या बचपन से पैदाशी कोई बर्थ मार्क है चेहरे पे या किसी भी बॉडी पार्ट पे तो वहाँ से उसको निकालने के बाद वहाँ पे एक डिफेक्ट एक गड्ढा बनेगा तो उसको भरने के लिए हम ग्राफ्ट लेते हैं जो कि स्किन ग्राफ्टिंग जिसको कहते हैं तो जिसमें पेशेंट की खुद की स्किन ले उसको डिपेंडिंग ऑन द साइज कितना बड़ा डिफेक्ट है और वो ग्राफ्ट लेके हम वहाँ लगा देते हैं तो इसको हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं तो अब स्किन ग्राफ्टिंग में मैंने आपको यूजेस बता दिए कि चोट लगने के बाद जलने के बाद कोई कोई निशान है बर्थ मार्क है उस उसके बाद या कोई बीमारी है कोई कैंसर है तो उसके बाद हम स्किन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं जैसे कि स्किन के कैंसर होते हैं बेसल जैसे कैमसल कार्सनोमा होता है एक एक कोई चेहरे पर काला दाग हो गया और उस, उसके बाद उसको हटाना है तो उसके बाद हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो ये स्किन ग्राफ्टिंग मैंने आपको बताया दिया कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं अब ये कैसे करते हैं हमारे पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि बिल्कुल ही एकदम यूनिफॉर्मली हम उसके स्किन को निकालते हैं और ये हार्डली 20 -30 से 30 सेकंड के अंदर हम ग्राफ ले लेते हैं उसके बाद ग्राफ को जहाँ पे हमें लगाना है उसको उसमें हल्के हल्के डॉट से बना के और उसके बाद उसको प्रॉपरली सेटल सेट करके उसको हम लगाते हैं तो इससे हम हफ्ते दस दिन के बाद फर्स्ट ड्रेसिंग हफ्ते के या दस दिन के बाद हम होती है पहली फर्स्ट ड्रेसिंग हम पेशेंट को साथ कर घर भेज देते हैं ग्राफ्टिंग करने के बाद डिपेंडिंग और ऑब्वियसली डिपेंडिंग करता है कि कितना बड़ा ग्राफ्ट लगाया अगर बहुत ही बड़ा ग्राफ्ट लगाया तब पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और अगर बहुत छोटा ग्राफ्ट लगाया तो हम सेम डे छुट्टी करते हैं तो फिर एक हफ्ते बाद ड्रेसिंग करने के बाद उसके हम रेगुलर ड्रेसिंग चलती हैं तो विद इन दो हफ्ते तीन हफ्ते में ग्राफ्ट टोटल अपटेक हो जाता है और उसके बाद पेशेंट का घाव बिल्कुल ठीक हो, हो जाता है और नॉर्मल कलर मैचिंग मतलब अब अब आप सोचेंगे कि कलर मैचिंग बिल्कुल मतलब जो कलर मैच होता है कि जहाँ ग्राफ्ट लगाया है और जो स्किन है वो मिलती है नॉर्मली सेवेंटी टू तो एटी परसेंट तक मैचिंग आती है और बीस दस से बीस परसेंट हम एक क्रीम देते हैं वोस्ट ऑफ केयर हो जो होती है पेशेंट दो तीन चार महीने के बाद थोड़ा सा और मैचिंग आ जाती है तो अगर आपको ग्राफ्टिंग के बारे में और कुछ जानना है या कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्टस एट डरमाव पानी पर थैंक यू